किसान भाइयों, आज मैं गुरुकुल कुरुक्षेत्र के प्राकृतिक कृषि फार्म पर पहुंचा। आप सब जानते हैं कि पिछले 10-11 जुलाई में उत्तर भारत में भारी बारिश हुई है और कुरुक्षेत्र में भी ये वर्षा पर्याप्त मात्रा में हुई, जिसके परिणाम स्वरूप सभी लोगों के खेत लबालब पानी से भर गए। ऐसी स्थिति में गुरुकुल कुरुक्षेत्र के प्राकृतिक खेती के अंदर जो केचुआ है, अर्थवर्म है, वो एकदम धरती से बाहर निकला और जो रास्ते हमने चलने के लिए खेतों के बीच में बनाए हैं, उनके बीच में आप देख सकते हैं इतनी बड़ी संख्या में केचुए रेंग रहे हैं, चल रहे हैं। और हमारे एक एक एकड़ में 8-10 लाख तक केचुआ काम करते हैं और ये भूमि में 8-10 फुट तक यूं सीधा छेद बनाते हैं, दूसरे छेद से ऊपर आते हैं, इससे जाते हैं और इससे आते हैं। इसका परिणाम क्या है कि धरती के अंदर जितना भी ये पानी वर्षा का है, उन छिद्रों के द्वारा ये धरती माँ के पेट में जा रहा है। ये जो दूसरा आप चित्र देख रहे हैं, इसमें पानी में वे बुलबुले उठ रहे हैं। ये सारा का सारा पानी केचुओं के द्वारा बनाए गए खेतों में छिद्रों में प्रवेश कर रहा है और पड़ोसी खेतों में पानी भरा खड़ा है, उससे फसलें बर्बाद हो रही हैं। लेकिन हमारे खेत का जितना भी पानी था, वो केचुए द्वारा बनाए गए छिद्रों के द्वारा सारा धरती माँ के पेट में चला गया। यह है नेचुरल वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। इसके लिए सरकारें करोड़ों रुपया खर्च कर रही। यदि पूरी धरती पर प्राकृतिक खेती हो जाए गुरुकुल कुरुक्षेत्र के खेतों की तरह, तो न बाढ़ आएगी न अकाल पड़ेगा, क्योंकि बाढ़ में इस समय हमारी धरती की परत यूरिया डीएपी कीटनाशकों ने उस धरती को पत्थर बना दिया है। केचुए जैसे मित्र जीव मार दिए, सूक्ष्म जीवाणु मार दिए जो धरती में छिद्र बनाते थे, धरती के ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाने का काम करते थे, आज धरती में वो कहीं दिखाई नहीं देते। इसी का परिणाम है कि अब वर्षा हो रही है और जो 6 इंच उपजाऊ मिट्टी हमारे खेतों की, ये वर्षा का पानी उसको बहा करके ले जा रहा है, बाढ़ के रूप में विनाश करता है और हमारे खेत बंजर बन रहे हैं और भूमिगत जल स्तर दिन पर दिन घट रहा है। यदि ऐसे ही हम रासायनिक खेती करते रहे तो उसके दुष्परिणाम इस समय आप बाढ़ के रूप में भी देख रहे हैं और भूमि को बंजर होता हुआ भी देख रहे हैं और केमिकल जो पड़ रहा है खेतों में, उसके द्वारा रासायनिक खादों के द्वारा आहार जो हम ले रहे हैं वो भी हमारे स्वास्थ्य को बर्बाद कर रहा है। केचुआ सबसे बड़ा मित्र है, सूक्ष्म जीवाणु किसान के सबसे बड़े मित्र हैं और वो प्राकृतिक खेती में जीवामृत घन जीवामृत के द्वारा उनकी बहुत बड़ी संख्या के रूप में वो पैदा होते हैं और वो खेती की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाते हैं, धरती के ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाते हैं। तो मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि आप प्राकृतिक खेती की ओर लौटिए। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की इच्छा है कि मेरे देश का किसान समृद्ध हो, खुशहाल हो, उन्नत हो और वो जहर रहित खेती की ओर बढ़े, गो आधारित प्राकृतिक कृषि को अपनाएगा तो उसकी आय भी बढ़ेगी, खेती में लागत भी उसकी कम होगी और धरती उपजाऊ भी बनेगी, पर्यावरण भी बचेगा, जल भी बचेगा और लोगों का स्वास्थ्य भी बचेगा। धन्यवाद।